और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, एक बड़ी खबर चंबा से आ रही है, बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। जी हां, बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है सुबह 10 बजे। ये बैठक जो है, ये अहम बैठक जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर चंबा से, खेल मंत्री राकेश पठानिया इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंबा बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जो है वो होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है चंबा में। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर चंबा से आ रही है। सुबह 10 बजे होगी बैठक। इससे पहले बीजेपी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक धर्मशाला में भी हुई थी, और अब आपको बता दें कि चंबा में बैठक होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण। आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी, किस तरीके से जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से निर्देश देने हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो यहां पर प्रमुखता जो रहने वाली है इस बैठक में। तो खेल मंत्री राकेश पठानिया इसमें शामिल होंगे इस बैठक में, और चंबा बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जो है वो आज होने वाली है। नीतीश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बीजेपी की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक चंबा में होने जा रही है, खेल मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? जी मैम, आपको मैं बताना चाहूंगा, चंबा में खेल मंत्री हुआ है, दो दिवसीय दौरे पर हैं, और चंबा में वो भाजपा की नवस्था तोड़ने का प्रयास करेंगे और नेताओं से भी बात करेंगे। सबसे अहम बात ये है कि वो एक एक नेताओं से मिलेंगे और बात करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति रहती है। जी, जाहिर तौर पर नीतीश, क्योंकि इससे पहले धर्मशाला में भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और तमाम जो बड़े नेता थे वो उसमें शामिल हुए थे, रणनीति आगे को लेकर बनाई गई थी। जाहिर तौर पर चर्चाएं ये भी हैं कि आज होने वाली इस बैठक में आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा जो है वो होगी, और पार्टी को जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश देने, उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये आपको बताना चाहूंगा, 2017 में यहाँ पर जो सीटें आई थी वो 5 से 4 आई थी। अब भाजपा का ये फोकस है कि चंबा में 5 में से 5 सीटें आए, वो संगठन को मजबूत करने का भी प्रयास रहेगा और वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का प्रयास कर और नेताओं से भी एक एक करके बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है हिमाचल प्रदेश से ही, 63 पुलों का राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। जी हां, बता दें आपको इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको, पांगी नाला पुल, किरण खड्ड में बने पुल का उद्घाटन आज करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। टाइटन नाले पर बने पुल का भी उद्घाटन जो है वो करेंगे राजनाथ सिंह। तो 63 पुलों का राजनाथ सिंह उद्घाटन करने जा रहे हैं, जनता को वो समर्पित करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है, तो फिलहाल आपको बता दें ये तमाम, रक्षा मंत्री का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लद्दाख दौरे पर वो रहने वाले हैं 3 दिन, और इस दौरान वो इनॉग्रेट करेंगे। किन्नौर से सुरेंद्र सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, आज तमाम जो ये 63 पुलों का उद्घाटन आज राजनाथ सिंह करने वाले हैं, उसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी इन पुलों के उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए। जी अंजलि, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी आज वर्चुअल के माध्यम से जो 63 पुलों का जो है उद्घाटन करेंगे, उसी में जो है जनजातीय जिला किन्नौर में भी 3 पुल जो है उनका जो है उद्घाटन वो करेंगे, जिससे जो है जिले के लोगों के साथ साथ लाहौल स्पीति क्षेत्र के लोगों को भी उसका बहुत फायदा मिलेगा। वहीं जो है कि जो आर्मी की जो बॉर्डर एरियाज है उसमें भी लोगों आर्मी के जवानों को आने जाने में काफी सहूलियत महसूस होगी। जी, कितने बजे का ये कार्यक्रम है, कितने बजे उद्घाटन करेंगे आज? जी, जहां तक बात करें, सीमा सड़क संगठन के जो ओसी है हमारे यहाँ पीके सिंह जी, उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जो है इनका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें, महामंथन के बाद भी बीजेपी में अंतर्कलह का मामला सामने आया है। जी, अंतर्कलह इस दिशा में बीजेपी एससी मोर्चा अध्यक्ष बाल मुकुंद ने इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी जाहिर उन्होंने की है, पार्टी में हो रही अनदेखी
सियाहत हूं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। राजगढ़ से बड़ी खबर पट छोड़ा है लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये नाराजगी बहुत कुछ कह रही है। तो महामंथन के बाद भी बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। मैं बालमुकुंद चौहान अध्यक्ष इसी मोर्चा से अपना त्याग पत्र आज एससी मोर्चा अध्यक्ष जिला के पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान में एससी मोर्चा अध्यक्ष रूप सिंह जी को भेजा है कि जब हमारी मंडल में सुनाई नहीं होती, पार्टी में हमें पूछा नहीं जाता, सिर्फ हमारा काम झंडे चकना व रैलियां जुटाना यहीं तक सीमित रह गया है, तो आप इस पद में रहकर क्या करोगे। और गोपाल दत्त शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल दत्त शर्मा, फिलहाल क्या चल रहा है ये पार्टी में, क्योंकि महामंथन हो रहा है, कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, नेताओं से बात की जा रही है, लेकिन पार्टी के ये जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पछाद भाजपा एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बालमुकुंद जी, उन्होंने अपने पद से इसीलिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने बाइट में साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो है संगठन में कोई भी पूछ नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि आखिरकार उनका कहना है कि उनकी पूछ नहीं हो रही है, वो सिर्फ झंडा और रैलियां जुटाने में ही उन लोगों को काम दिया जा रहा है और इसी की नाराजगी उन्होंने यहाँ पर जताई है। जाहिर तौर पर ये मुद्दा वही है जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रहा है कि बीजेपी में सुनी नहीं जाती है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। जाहिर तौर पर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा और मिल गया। जी, ये बिल्कुल विपक्ष की जो बात है उसको प्रमाणित कर रहा है। विपक्ष हर समय भाजपा के ऊपर आरोप लगाता है कि उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, जिसका ये ताजा उदाहरण जो है पछाद में देखने को मिला है, जहां एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी संगठन में कोई पूछ नहीं है, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जी बिल्कुल गोपाल दत्त, हालांकि ये नाराजगी क्योंकि बालमुकुंद के तौर पर जब उन्होंने ये बातें कही हैं, क्या उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो तमाम आला नेता को इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, इसका संदेश उन्होंने भेजा है उन तक कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इस स्तर पर हो रहा है कि उन्हें अब इस्तीफा तक देना पड़ा है अपने पद से? बिल्कुल, उनका साफ कहना है कि जो है इस बारे में पहले भी उन्होंने अवगत कराया होगा अपने आला कमान को, लेकिन जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। अपना इस्तीफा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सहित जिला अध्यक्ष सहित सबको भेज दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल दत्त शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पार्टी में ये कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता को, हर नेता को बराबर समझा जाता है, सबकी सुनी जाती है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एससी मोर्चा अध्यक्ष बालमुकुंद ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा अपने पद से दिया ये कहकर कि हमारा काम सिर्फ झंडे और पार्टियां ही, जो रैलियां हैं पार्टी के लिए वो करना ही रह गया है, आखिर चल क्या रहा है ये सब? बिल्कुल देखिए, और अहम ये हो जाता है अंजलि कि ये जो मामला है पूरा, जो इस्तीफे का मामला है, ये उस क्षेत्र से आता है जहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि सुरेश कश्यप जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के मौजूदा समय में, वो इसी इलाके से आते हैं और ऐसे में उनका गृह क्षेत्र है। तो जब अपने घर में ही बीजेपी जो है वो इस तरह की चीजें चल रही हैं और संभाल नहीं पा रही है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाकी जगह अंतर्कलह किस तरह से मची हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उछला था और जो ये दो दिन की जो बैठक थी जिसमें हाईकमान के बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे, बी एस संतोष जो है वो आए थे जो कि संगठन महामंत्री हैं, इसके अलावा जो सौदान सिंह है जो कि हरियाणा पंजाब और हिमाचल के प्रभारी हैं, तो ऐसे में मुद्दे कई हैं। हिमाचल में भाजपा में भी अंतर्कलह जो है वो है, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी नाराजगी लगातार लोगों में है। ये तो इस्तीफे की बात सामने आई है, लेकिन ऐसा मनमुटाव कई जगह पे है जहां पर लोगों को मनाया जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में देखिए आने वाले दिनों में अब उपचुनाव है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव, और जिसको लेकर लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि सीट अपनी है और हम जो है वो इस पे जीत दर्ज करेंगे, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लगातार इस तरह के दावे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक है नहीं है,
इसका फैसला जनता करे, क्योंकि लगातार स्थितियां जो है वो इस तरह से आ रहे हैं या फिर जो मनमुटाव है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच हिमाचल प्रदेश से आ रही है, विशेष वैक्सीन अभियान का आगाज। जी हाँ, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, कॉलेजों में दो दिन चलेगा अभियान और विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं जानकारी के साथ। विकास, वैक्सीनेशन महाअभियान को और ज्यादा सफल प्रदेश में बनाने के लिए अब अलग अलग तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और ये जो वैक्सीनेशन है इसमें तेजी, पिछले दिनों हमने देखा कि दो तीन दिन के लिए जो है वो वैक्सीनेशन अभियान को शुरुआत जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, जिसे ये कहा गया कि तीसरे चरण का दूसरा भाग है ये और इसमें तेजी जो है वो लाई जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, बहुत तेजी जो है वो देखने के लिए मिली। सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन अभियान में जो देखने के लिए मिला, जो जानकार मानते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर सिर्फ आइए और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए और तुरंत आपको वैक्सीन यहाँ पर लग जाएगी, किसी तरह का कोई स्लॉट बुक करने का झंझट जो है वो यहाँ पर नहीं था। यही एक बड़ी वजह है कि जब हिमाचल प्रदेश में अब अगर हम कहें तो ये पिछले दिनों जो है वो आंकड़े यही सामने आ रहे हैं कि आप करीब करीब 50% के आसपास जो है वो पहली डोज आपने 18 से 44 साल के लोगों को यहाँ पर दी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है। और ये शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, क्योंकि पिछले कैबिनेट में भी ये चीजें सामने आई थी कि अगर बच्चों को वैक्सीन, यानी कि जो कॉलेज के छात्र हैं अगर उनको वैक्सीन नहीं दी जाती है या शिक्षक है उनको वैक्सीन नहीं दी जाती तो कितना खतरा जो है वो इसमें बढ़ जाएगा, तमाम चीजें ये देखने के लिए मिली। क्योंकि आने वाले दिनों में अब स्कूलों को भी खोला जाना है, कॉलेजेस को भी खोला जाना है, तो ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि आखिरकार अब अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट पूरा अगर किया जाता है तो आने वाले दिनों में अब शिक्षा को किस तरह से मजबूत किया जाना है, क्योंकि लंबा अरसा है स्टूडेंट जो है वो घरों में ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक जो है वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। बीच में हमने देखा कि पिछले साल स्कूलों में जो है वो अध्यापकों को बुलाया गया, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वही सामने आने शुरू हो गए थे, जो टीचर्स हैं वही पॉजिटिव आने शुरू हो गए थे। तो अब जो डेल्टा प्लस है या फिर तीसरी संभावित लहर है, तमाम चीजों को देखते हुए इसको मजबूत करने की, बिल्कुल इस चीज को मजबूत करने की दिशा में अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर पॉइंटर साहिब से आ रही है, वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानकारी आ रही है पॉइंटर साहिब से। पॉइंटर डिग्री कॉलेज में शुरू होगा अभियान। जी हाँ, अलग अलग ये जो कॉलेज हैं डिग्री कॉलेज, वहां पर 18 से ऊपर आयु वालों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है और जाहिर तौर पर अब इसकी जो स्पीड है वो बढ़ाई जा रही है। पहले स्लॉट बुकिंग का झंझट रहता था, हालांकि अब उसे खत्म किया गया है इस दिशा में कि ताकि इस अभियान को और तेजी यहां पर लाई जाए और हिमाचल में कई जगहों पर इस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। 30 जून को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जी हां, 30 जून को बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो है वो होने जा रही है। बैठक में मिशन रिपीट पर रणनीति बनेगी। जी हां, मिशन रिपीट पर रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रियों विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा की जाएगी, यानी पूरा फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। हाईकमान को सौंपे जाएंगे रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट कार्ड सौंपे जाएंगे। 30 जून को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। तो बता दें आपको बैठक में मिशन रिपीट पर रणनीति जो है वो तैयार यहां पर की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बेहद खतरनाक दूसरी लहर के बाद अब भारत में धीरे धीरे बाजार खुलने शुरू हुए। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में भारी तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम होती देख प्रशासन ने अधिकांश राज्यों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध या तो हटा लिए हैं या बहुत मामूली प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। अब ऐसे में डेल्टा वेरियंट अब एक नई चुनौती बनकर सामने आ चुका है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भयावह रूप लेकर लौटी थी। हालांकि लहर अब थम चुकी है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ ही महीने में दस्तक दे सकती है। कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि तीसरी लहर 10 से 12 हफ्ते में आ सकती है। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट
कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। इसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी। डेल्टा वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना था। मई महीने में जब दूसरी लहर के पीक के दौरान भारत में हर रोज जहां औसतन लेकिन डेल्टा वेरिएंट 60% और ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा से मिलता जुलता कप्पा वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा देने में कायम है, हालांकि ये ज्यादा नहीं फैला। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण। वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी और थकान जैसे लक्षण हैं। गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ होती है। त्वचा पर चकत्ते, पैर की उंगलियों का भी रंग बदलना इसके लक्षण में से एक है। गले में खराश, स्वाद, गंध चले जाना और सिर दर्द इसकी समस्याओं में से एक है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें? घर से बाहर निकलने से पहले डबल मास्क जरूर पहने। जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें। हाथों को बार बार अच्छी तरह से साबुन से धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। घर की चीजों, आसपास की जगहों को साफ रखने की कोशिश करें और साफ भी रखें। बाहर से आने वाले सामान को डिसइंफेक्ट करें और तुरंत ना छुएं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताया कि वेरिएंट कितना खतरनाक है। हालांकि कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट से लोग दहशत में हैं। नया डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। ऐसे में आपको पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। उधर किन्नौर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और जगत सिंह नेगी के कारण प्रदेश का विकास हुआ, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई विकास की गति धीमी पड़ी। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसे जगाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने किसानों और बागवानों की समस्या को लेकर जन आक्रोश रैली शुरू किया है और कांग्रेस पार्टी में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन भाजपा में मोदी शाह का राज, बाकी सब साइन करके चल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसानों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और केंद्र सरकार डिक्टेटरशिप की भूमिका निभा रही है। भाजपा में मोदी शाही चल रही है, मोदी और अमित शाह, ये दो लोग, बाकी कोई मंत्री आपको काम करते हुए नहीं दिखेगा। उनका आजकल काम सिर्फ ये है, ट्विटर पे राहुल गांधी जी जब कोई वक्तव्य करते हैं जनता की तरफ से तो उसको ट्रॉल करने का काम करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, आप जरा जानकारी लीजिए दिल्ली से, तो कैबिनेट की मीटिंग में सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, बाकी हा हा करते हैं, साइन करके निकल जाते हैं। संगठन की मीटिंग होती है उनकी, तो सिर्फ चेहरे नामधारी हैं,
निर्णय जो है मोदी जी लेते हैं, अमित शाह लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से यहाँ पे वरिष्ठ विधायक नेगी जी के प्रयत्नों से यहाँ पे विकास हुआ किन्नौर में। पहले कभी नहीं उतना विकास इन प्रयासों से हुआ, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार आई तो विकास का काम ठप हो गया। ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसको जगाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। कल ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जो है किसानों की और बागवानों की भूमिका ली है, जो उनकी समस्या है उस समस्याओं के बारे में जन आक्रोश आंदोलन छेड़ा है, नारकंडा से छेड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ जी और प्रमुख नेताओं के सहित मैं भी वहां उपस्थित था। हर जिले में वो कार्यक्रम होगा। हमारी जो शक्ति है, हमारे मार्गदर्शक हमारे नेता हैं, उनका अनुभव है, वो गाइड करते हैं, लेकिन हमारी जो शक्ति है, हमारी जो नींव है पार्टी, वो कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता को मिलके उसकी भावना समझना, उससे सुझाव लेना, ये हमारा फर्ज है। तो मैं सब जगह जाऊंगा उसी दृष्टिकोण से। और ये कांग्रेस परिवार है, हमारा परिवार है, मैं भी कांग्रेस का एक छोटा परिवार का सदस्य हूँ, सिपाही हूँ, तो मैं अपने परिवार सदस्यों से मिलने आया हूँ, सभी जगह जाऊंगा। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच नालागढ़ से आ रही है। पुल में घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप लगा है। जी हां, बता दें आपको पुल निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप, ठेकेदार के खिलाफ वार्ड नंबर 3 के लोग प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, 28 लाख की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है इसमें घटिया सामग्री हुई है इस्तेमाल। उद्घाटन के एक साल बाद ही इसमें ये टूटने लगा है, तो पुल में घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है ठेकेदार पर, और ठेकेदार के खिलाफ वार्ड नंबर 3 के लोग प्रदर्शन करेंगे। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। नाथपा जाकड़ी लाजरी डैम का बड़ा जलस्तर, जी आप बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सतलुज ब्यास में छोड़ा गया है पानी। बड़े जलस्तर के चलते प्रशासन ने लोगों को हिदायत भी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नदी नालों से दूर रहने की अपील जो है वो की गई है। ये जानकारी फिलहाल आपको दे दें, नाथपा झाकड़ी लारजी डैम का जलस्तर जो है वो एकाएक बड़ा है। सतलुज ब्यास में फिलहाल पानी छोड़ा गया है और प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है। हिदायत यहाँ पर दी गई है कि नदी नालों से दूर रहने की अपील लोगों से की गई है। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी।